नशीले पदार्थ माफिया की धरपकड़ करते हुए एंटी नारकोटिक सेल पुलिस टीम ने पिहोवा के मोरथली बस अड्डा के पास से तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 4 किलो 400 ग्राम चूरा पोस्ट बरामद करने में कामयाबी ली है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी मनदीप सिंह ने सब इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह, एएसआई राजेश, हेड कांस्टेबल आजाद, निर्मलजीत सिंह, राजेश, चालक बलदेव सिंह की टीम को अपराध माफिया की धरपकड़ के लिए रवाना किया था। ये टीम कुरुक्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर होते हुए पिहोवा की ओर रुख कर गई। पुलिस टीम पिहोवा एरिया में पहुंची तो पुलिस को सूचना मिली कि गुरमेज सिंह उर्फ लाडी पुत्र सुखराम निवासी जुलाखेड़ी पटियाला, साहब सिंह पुत्र कारत सिंह निवासी अजीत नगर दीवाना आदि नशीला पदार्थ बेचने का काम कर रहे हैं। वहीं हैप्पी पुत्र मंजीत निवासी गांव भेनी जिला पटियाला से चूरा पोस्ट खरीद कर कश्मीर सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी कलसा जो कि मोरथली अड्डा पर दुकान की हुई है उसे बेचने के लिए कार में सवार होकर चीका की तरफ से आ रहे हैं। मामले की भनक लगते ही पुलिस ने नाकाबंदी कर डाली। मौके पर पिहोवा डीएसपी गुरमेल सिंह को बुलाया गया। उनकी देखरेख में पुलिस ने जाल बिछाकर घेराबंदी कर डाली। इस दौरान पुलिस टीम ने आती कार को शक की बिना पर काबू कर लिया। पुलिस टीम ने मौके से गुरमेज सिंह, साहब सिंह, कश्मीर सिंह पुत्र रूप सिंह निवासी कलसा आदि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 4 किलो 400 ग्राम चूरा पोस्ट बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जिन्हें जेल भेज दिया गया है। खबरनामा हरियाणा के लिए क्राइम रिपोर्टर राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।